हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन बीपीजे केमिस्ट्री क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर अपना चल रहा है और सॉल्यूशन चैप्टर में अपन डिस्कस कर रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में आपने डिस्कस किया था। इसी सीरीज में आज की क्लास में अपन सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जैसे ही प्योर वाटर में अपन क्या ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे कि शुगर या साल्ट या यूरिया अपन ऐड करते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो उसके बाद वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज होता है उसे ही अपन क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अपन बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट किसे बोलते हैं? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर दैट इज 1 atm इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यानी जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना हो जाए 1 atm के बराबर, यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब वेपर प्रेशर हो जाए उसे अपन क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे किसी लिक्विड को अपन हीट करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या बढ़ेगा? जैसे जैसे अपन हीट करते जाएंगे वेपर ज़्यादा बढ़ती जाएगी, वेपर ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो जाता है उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। जैसे सपोज अपन देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 degree centigrade। जो अपना प्योर वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इट मींस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम इक्वल टू 1 atm। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है? 1 atm के इक्वल हो जाता है। इसलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या बोलते हैं? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को आपने डिफाइन कर दिया क्या? जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए 1 atm की इक्वल। इन टेम्परेचर अपन बढ़ाएंगे तो वेपर ज़्यादा बनेगी, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वेपर और ज़्यादा बन रही है, और जैसे जैसे वेपर ज़्यादा बनेगी वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर 1 atm की इक्वल हो जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। अब आगे अपन देखते हैं, जैसे अपने पास प्योर सॉल्वेंट है, दूसरा आपने क्या किया, इस सॉल्वेंट में आपने क्या ऐड कर दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में जिसकी वेपर नहीं बन रही, जैसे कि शुगर है, साल्ट है, यूरिया है, ग्लूकोज है, तो प्योर सॉल्वेंट में जैसे ही आप ऐड करके क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। जैसे प्योर सॉल्वेंट यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सपोज कितना था? 100 degree centigrade था। अब जैसे ही प्योर सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, जैसे कि ग्लूकोज ऐड कर दिया सपोज आपने, या फिर शुगर ऐड कर दी, तो शुगर या ग्लूकोज ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बना इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? सपोज 105 degree centigrade हो गया, 105 degree centigrade हो गया। तो कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है? 5 degree centigrade का इंक्रीज हो रहा है, प्लस 5 degree centigrade। पहले वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 100 degree centigrade, और जैसे ही इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने मिलाया तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? 105 degree centigrade, यानी प्लस 5 का इंक्रीज हो गया। तो कितना बढ़ रहा है? 5 degree centigrade बढ़ रहा है। इसे ही अपन बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ऐसा होता केवल क्यों बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज क्यों होती है? यानी जैसे प्योर वाटर में अपन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है, क्या रीजन है इसका, अभी अपन देखते हैं। जैसे कि अपने को पता है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है? मोर होता है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। और प्योर सॉल्वेंट में जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके आप क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। ये सब आप पीछे पड़ गए हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। अपने को पता है कि जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल पहुँच जाए तो 1 atm के नज़दीक जल्दी कौन पहुँचेगा? ये पहुँचेगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर पहले से ज़्यादा है और इसका वेपर प्रेशर क्या है? कम। सो वी हैव टू हीट मोर, सॉल्यूशन को आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा टू बिकम इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू 1 atm। इसका वेपर प्रेशर 1 atm के नजदीक पहुंचाने के लिए इसे ज्यादा हीट आपको करना पड़ेगा,
इसी वजह से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ज्यादा होता है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कम होगा, इसी अपन बोलते हैं लेवेसरिंग बॉइलिंग पॉइंट। जैसे सपोज अपन ये समझे कि 1 एटीएम के नजदीक आपको पहुंचना है, आपको पहुंचना है 1 एटीएम के पास, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था आपके पास कितना 0.80 और इसका वेपर प्रेशर कितना था 0.70, तो जल्दी कौन पहुंचेगा, ये पहुंचेगा 0.80 वाला, सीधी बात है, और इसको पहुंचाने में टाइम लगेगा, अभी इसका वेपर प्रेशर पहले से कम है तो इसको 1 एटीएम के नजदीक आपको पहुंचाना, तो इसे और ज्यादा इवोपरेट आपको करना पड़ेगा, और ज्यादा इवोपरेट करने का मतलब इसे ज्यादा हीट आपको देनी पड़ेगी, ज्यादा हीट दे रहे हैं मतलब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया बढ़ गया, यानी प्योर सॉल्वेंट में जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। रीजन क्या होता है, बिकॉज प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है मोर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है लेस होता है, सो वी हैव टू हीट सॉल्यूशन मोर, सॉल्यूशन को आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा टू बिकम इट्स वेपर प्रेशर नियर टू 1 एटीएम, इसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम के नजदीक पहुंचाने के लिए आपको ज्यादा हीट करना पड़ता है बिकॉज इसका वेपर प्रेशर क्या होता है लेस। अब इसी को अपन डायग्राम से समझते हैं, इलेवेसिंग बॉइलिंग पॉइंट को डायग्राम से अपन समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इलेवेसिंग बॉइलिंग पॉइंट, और इलेवेसिंग बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको आज आता है अगली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो सेम इसके जैसी ही है, बस एक माइनर डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आपको बताते हैं क्या होता है। तो ग्राफ से इसे अपन समझते हैं, ग्राफ अपन ने लिया, ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं किसके बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बिटवीन आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बिटवीन आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ध्यान दें यहाँ पे आपके पास क्या, ये यहाँ पे प्रेशर कितना है सपोज 1 एटीएम है, ये प्रेशर कितना है 1 एटीएम, आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट को हीट करते हुए जीरो से नहीं होगा क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर ही नहीं बढ़ती है, तो वेपर प्रेशर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं होता है, तो प्योर सॉल्वेंट आपके पास इसे हीट करते गए, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे आके वेपर प्रेशर 1 एटीएम के नियर पहुंच गया, इसे अपन बोलते हैं टी नोट बी, टी नोट बी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टी नोट बी का मीन हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट। अब आपने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड कर रखा है, सॉल्यूशन को हीट कर रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे आके 1 एटीएम के नजदीक पहुंच गया वेपर प्रेशर, तो इस टेम्परेचर को आपने क्या बोल दिया टीबी, टीबी का मीन हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको ग्राफ से क्लियर दिखाई दे रहा है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है भैया, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है कम, यानी टीबी माइनस टी नोट बी, इसे अपन बोलते हैं डेल्टा डीबी, और डेल्टा डीबी का मतलब क्या हो गया इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको बता रहे इतना। अब ध्यान रखें सीबीएसई बोर्ड में तो क्या बताया जाता है कि एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट डेल्टा डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, सीबीएसई की जो एनसीईआरटी बुक्स है उसमें डायरेक्ट ये बताया गया कि इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी, तो वो डायरेक्ट यहाँ से बताएंगे, वाइल आरबीएससी की जो बुक्स है उसमें ये चीज प्रूव करनी पड़ती है कि डेल्टा डीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये अपन प्रूव करेंगे। तो अभी ग्राफ से आपने देख लिया टी नोट बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, टीबी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, और टीबी माइनस टी नोट बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब आगे अपन देखते हैं फ्रॉम द डायग्राम या फ्रॉम द कर्व, इट इज क्लियर दैट क्या क्लियर है, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, यानी इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी, यानी वेपर प्रेशर डिफरेंस, ये देखो ये लाइन किस, ये डिफरेंस किसको इंडिकेट कर रहा है, वेपर प्रेशर डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा है, तो डेल्टा टीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी, यानी वेपर प्रेशर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ से आपको पता है क्या, डेल्टा पी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स पी, राउल्ट्स लॉ में पीछे आप जाएंगे तो आप ध्यान दें पी नोट ए माइनस पी इज इक्वल लिखा था आपने पी नोट एक्स पी, और पी नोट ए कॉन्स्टेंट था, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं
डायरेक्टली यानी आपने पीछे ना उस देखा था क्या पी नोट ए माइनस पी इज इक्वल पी नोट ए एक्स, ये डेरिवेशन आपने डिराइव किया था। अब पी नोट ए माइनस पी का मतलब क्या है, पी नोट ए वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्वेंट, पी क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, डेल्टा पी को ही तो इंडिकेट कर रहा है। और पी नोट ए क्या होता है, कॉन्स्टेंट, इस कॉन्स्टेंट को यदि पहनो डायरेक्टली का साइज तो आता है, यानी पी नोट ए माइनस पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स पी, यानी डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स पी, ये पीछे आपने देखा है। तो डेल्टा पी खुद किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स पी के। तो अपन क्या रख सकते हैं, दस डेल्टा टी पी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स पी, और डायरेक्टली का साइन आप हटाए तो डेल्टा टी पी इज इक्वल के इन टू एक्स पी, इसे इक्वेशन फर्स्ट नंबर दे दें। सिंस एक्स पी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ पी निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एन पी अपॉन एन ए प्लस एन बी, आप ध्यान रखिए आप यहाँ पुट करते हैं तो क्या आपके पास आ गया, दस डेल्टा टी पी इज इक्वल के इन टू एक्स पी की जगह आपने रख दिया एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब ये डायग्राम मेरे को इरेज करना पड़ेगा, जगह का अभाव है, ये आप ध्यान रखिए ग्राफ से आपको क्लियर है कि डेल्टा टी पी, डेल्टा टी पी टी पी माइनस टी नोट पी, डेल्टा टी पी होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पेपर प्रेशर डिफरेंस, और राउंड फ्लो से आपको पता था डेल्टा टी पी खुद किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स पी, वो हमें आपने रख दिया। अब आगे इस डेरिवेशन को अपन सोल्व करते हैं कैसे, यानी ये इक्वेशन सेकंड अपने पास अभी। अब अपने को पता है कोई फिनोमिना क्या हो, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एन बी इज वेरी लेस देन दैट ऑफ एन ए, यानी सॉल्यूट के जो मोल्स होते हैं वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन क्या होते हैं, बहुत कम। तो यहाँ एन बी को अपन डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, दस डेल्टा टी पी इज इक्वल के इन टू एन बी अपॉन एन ए। जब के पास इक्वेशन थर्ड आ गई, एन बी निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास ऑफ बी अपॉन इट स्मॉलर मास, एन ए निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास ऑफ ए अपॉन इट स्मॉलर मास, ये अपन पुट कर दें इक्वेशन थर्ड में, बस डेल्टा टी बी इज इक्वल क्या आ गया, के इन टू एन बी की जगह पे रख दिया डब्ल्यू बी अपॉन एन बी इन टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अब इस इक्वेशन को यदि आप ध्यान से देखें तो के क्या है कॉन्स्टेंट, एम ए क्या होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, तो के इन टू एम ए को आप एक न्यू कॉन्स्टेंट दे देते हैं क्या, के बी, के इंटू एम ए की जगह मैंने क्या रख दिया, के बी रख दिया। अब बाकी को आप देखें, डब्ल्यू मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ये पूरा टर्म किसके बराबर होता है, मोलेलिटी के बराबर, ये पूरा टर्म मोलेलिटी है, मोलेलिटी निकाल लिया फॉर्मूला आपके पीछे लिखा है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं स्मॉल एम, डेल्टा टी बी इज इक्वल के बी इंटू एम, और डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल है। तो सीबीएसई की बुक्स में यानी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें तो डायरेक्ट ये चीज गिवन है कि एक्सपेरिमेंटली हैज बीन फाउंड दैट एलिवेशन बॉडी कोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, तो ये चीज जो आपने प्रूव करना है कि सीबीएसई की स्टूडेंट्स को कोई काम करनी है, कोई यूज करनी है, ओनली समझने के लिए ध्यान में रख सकते हो, बाकी वो यहाँ से आगे काम नोट करें। तो ध्यान दें डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी आपने प्रूव कर दिया, ग्राफ से आपने देखा था डेल्टा टी वी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डेल्टा पी के, और डेल्टा पी खुद किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स पी, राउंड फ्लो से आपने पीछे देखा है, तो दस डेल्टा टी डायरेक्टली एक्स पी, डायरेक्टली का साइन आपने डाया के, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आपने रख दी, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एन बी इज वेरी लेस देन दैट ऑफ एन ए सो कैन बी नेगलेक्टेड इन डिनोमिनेटर, यानी एन बी को आप डिनोमिनेटर में नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो आपने क्या रख दिया डेल्टा टी पी इज इक्वल के इनटू एन बी अपॉन एन ए, एन बी गिवन मास अपॉन मोलर मास, एन ए गिवन मास ऑफ ए अपॉन इट्स मोलर मास, बी क्या था सॉल्यूट और ए क्या है सॉल्वेंट। अब के इनटू एम ए, एम ए क्या होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान दें एम ए क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, के बी कॉन्स्टेंट ये भी कॉन्स्टेंट, इसको एक नया कॉन्स्टेंट आपने दे दिया के बी, और ये जो पूरा टर्म है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको अपन क्या बोलते हैं मोलेलिटी, दस डेल्टा टी इज इक्वल के बी इनटू एम, और डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, ये आपने प्रूव कर दिया। अब
आगे अपन बताते हैं क्या यहाँ के बी को अपन क्या बोलते हैं, के बी इज इक्वल इमोलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट और मोलल इलेवेशन कॉन्स्टेंट भी से बोल सकते हैं, मोलल इलेवेशन कॉन्स्टेंट। ये ध्यान रखिए के बी को अपन क्या बोलते हैं, इमोलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट और मोलल इलेवेशन कॉन्स्टेंट। आगे देखते हैं अपन, कई बार ये पूछ जाता है कि डिफाइन के बी या व्हाट इज द यूनिट ऑफ के बी, तो अपन क्या बताते हैं कि एज वी नो दैट डेल्टा टी बी इज इक्वल के बी इनटू स्मॉल एम, और स्मॉल एम का मतलब क्या है, मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इफ स्मॉल एम इज इक्वल 1 देन डेल्टा टी बी इज इक्वल के बी, यानी के बी को अपन कैसे डिफाइन करें, If molality of solution is equal 1, solution की molality कितनी है 1 है, then elevation in boiling point is known as molal elevation constant or ebullioscopic constant। जब solution की molality 1 होगी 1 होगी उस time पे जितना elevation होता है boiling point में उसे ही अपन क्या बोलते हैं, kb बोलते हैं, unit of kb। kb की unit कैसे अपन निकालें, अपने को पता है डेल्टा टी बी इक्वल के बी इंटू एम, तो के बी इक्वल क्या रहेगा, डेल्टा टी बी अपॉन स्मॉल एम, के बी इज इक्वल टी बी टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है केल्विन है सॉरी, और मोलिलिटी की क्या होती है मोल पर केजी, तो केजी ऊपर आ जाएगा, तो के बी की यूनिट आपके पास क्या आ गई, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये आपने बता दिया। आपको क्वेश्चन पूछा था कि हाउ विल यू प्रूव दैट इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप कैसे प्रूव करेंगे, तो अपन बताएंगे कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स पे डिपेंड कर रही है, यानी अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखें के बी जो होता है ये बहुत बार पूछा जाता है, डिफाइन के बी या व्हाट इज द यूनिट ऑफ के बी, ठीक है। आगे अपन देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास कैसे अपन निकालते हैं, डेल्टा टी बी की हेल्प से। देखते हैं अपन आगे क्या कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास एम बी ऑफ सॉल्यूट थ्रू डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी की हेल्प से सॉल्यूट का मोलर मास कैसे निकलेगा ये अपने को डिफाइन करना है, तो अभी अपन देखते हैं कैसे डिफाइन करते हैं सॉल्यूट का मोलर मास डेल्टा टी बी की हेल्प से कैसे डिफाइन किया जाता है, अभी अपन देखते हैं। एज वी नो दैट अपने को पता है क्या, डेल्टा टी बी इज इक्वल के बी इंटू एम, सिंस मोलैलिटी स्मॉल एम निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट और ऊपर क्या जाता है 1000, स्मॉल एम की वैल्यू अपन पुट करें, दस डेल्टा टी बी इज इक्वल के बी इनटू स्मॉल एम की जगह क्या रख दिया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इनटू डब्ल्यू ए और ऊपर क्या आ गया 1000, सिंस आपको एम बी निकालना है तो एम बी साइड ले जाएंगे और एम बी इज इक्वल के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, जहाँ एम बी क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू बी क्या है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, के बी क्या होता है मोलर इलिवेशन कॉन्स्टेंट विच हैज डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए के बी की वैल्यू अलग अलग होगी जो आपको गिवन आती है हमेशा, डब्ल्यू ए का मतलब क्या हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये वैल्यू आपको गिवन होगी, इसकी हेल्प से आप सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं और इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल सारे एक साथ आपको करवा देंगे चैप्टर होने के बाद, बॉन्ड ऑफ फैक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं ऐड करके, तो आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ध्यान रखें ये इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपने देखा,
तो इसमें छोटे क्वेश्चन ही बनेंगे, डिफाइन केबी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी, या व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन ए स्पून ऑफ शुगर इज एडेड इन प्योर वाटर। प्योर वाटर में आप शुगर ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है, तो आपको बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि शुगर सॉल्यूशन हैज मोर वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू प्योर वाटर, यानी प्योर वाटर की कंपैरिजन शुगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन आप करेंगे, फिर आप बता देंगे कि वाटर का वेपर प्रेशर क्या होता है लेस, सॉरी वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा मोर होगा, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है लेस, सो वी हैव टू हीट सॉल्यूशन मोर, सॉल्यूशन को ज्यादा हीट अप करना पड़ेगा उसका वेपर प्रेशर 180 के नियर पहुंचाने के लिए। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे, सारे नोट्स की आपको अभी बेसिकली अवेलेबल हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए सॉल्यूशन की जो पीछे की वीडियो है वो सारे आप सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सॉल्यूशन चैप्टर की प्लेलिस्ट है, उसमें इसकी पीछे की वीडियो आपको सारी मिल जाएंगी, वो सब आप वहाँ से देख सकते हैं। और कंटिन्यू अपना चल रहा है, अभी 2-3 इसके लेक्चर और होंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका कम्प्लीट हो जाएगा। तो कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।